And our research question will include that what is the current state of the safety of JSON security and what the security of the current network that is encryption previous and is there a moderate network rather than JSON efficient? There will be answered with comprehensive analysis over the JSON technology building and drawbacks. The basic architecture of the JSON can be divided into three parts: MS, mobile station, BDS, base station subsystem, network station subsystem. There are essentially four algorithms used, out of which two are outdated. And currently are not used nowadays. Two of them are A52 and A54. Basically, जो GSM architecture जो work करता है वो आपका एक आपका होता है MS होता है, ठीक है? Mobile system होता है जिसमें आपकी SIM card होता है और mobile device होता है. उसने आगे आपने आगे आपको डिफरेंट BDS होते हैं, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सा होता है. BDS डिफरेंस होते हैं, वो आगे उनके साथ कनेक्शन प्रोवाइड करता है. BDS जो होता है वो बेसिकली रेडियो कनेक्शन बिटवीन द MS एंड द BDS को प्रोवाइड कर रहा होता है. आगे जो होते हैं आपके बेसिकली नेटवर्क स्टेशन होता है जिसमें आपका AUC होता है जिसके अंदर आपकी कीज होती है. बेसिकली MS जो होता है आपका सिम कार्ड एक साइज जनरेट करता है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन यूजर सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी होती है, वो जो आपकी एनसी के वो एयूसी के अंदर दोबारा ऑथराइज करता है, दोबारा ऑथराइज करके वापस करता है और इस तरह आप ये पूरा सिस्टम बनता है. इसमें जो एल्गोरिथम यूज होते हैं वो बेसिकली फोर टाइप्स के हैं. आगे ये A50 ये जो A50 A51 A52 A53 आर द एनक्रिप्शन साइफर्स, इनको आप एनक्रिप्शन साइफर कहते हैं. A50 जो है इसमें बेसिकली कनेक्शन जो होता है बिटवीन द BDS एंड द मोबाइल डिवाइस इज नॉट इंक्रिप्टेड, यानी सिक्योर नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल होता है. उसके बाद A51 जो है मोस्ट वाइडली यूज हो रहा है आजकल और अभी भी कर रहे हैं काफी कंपनीज. आपकी इसमें जो होता है आपका स्ट्रीम साइफर होता है, जैसे जैसे डेटा आपका भेजते हैं जिस तरह जाता है आपका डेटा उसी तरह वो इंक्रिप्ट करके ऐसा ऐसा भेजता जाता है. उसके बाद A52 जो है वो हमें बेसिकली डिस्करेज किया गया है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर जो हमने सर्वे किए हैं. उसके बाद A53 जो है वो बेसिकली कोसामी है जो नया भी बना है. इस अल्गोरिथम को बनाने के लिए हमें 12 साल लगे और टेस्ट एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए उनको बहुत टाइम लगा है और अभी भी ये इतना लोकल नहीं है मार्केट में. इसमें ये होता है कि ब्लॉक साइफर होता है जो पहले सारा डेटा एनक्रिप्ट करता है फिर आगे भेजता है, ठीक है? और ये रियल टाइम में काम कर रहा होता है सारा. इसमें जो है ये UMTS और GPRS के ऊपर भी यूज हो रहा है और इसके अंदर जो मेन काम है वो फ्रीक्वेंसी होपिंग हो वो इसको यूज कर रहा होता है. अटैक एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के अटैक हम बेसिकली हो रहे हैं. एक होता है क्लोन सिम कार्ड, एक होता है पेज स्टेशन. क्लोन सिम कार्ड में बेसिकली होता है कि अटैकर्स जो होते हैं वो आपका क्या कहते हैं सिम कार्ड क्लोन कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और ये बिल्कुल रियल टाइमिंग में करते हैं, साथ साथ आपके काम कर रहा होता है, ठीक है? और पेज बेस स्टेशन जो होता है आपका वो बेसिकली लॉन्ग प्रोसीजर है. ये बेस स्टेशन आपका आगे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये बीडीएस लगा हुआ है, उसने आपको A53 साइफर यूज किया है, उसके थ्रू एनक्रिप्शन के थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट कर रहा है. लेकिन इसमें क्या आपका एक पेज बेस स्टेशन बाहर निकल के बनाते हैं, उसमें उसमें आपको क्या करते हैं कि एनक्रिप्शन साइफर जो होता है ना आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से. एनक्रिप्शन साइफर A51 जो है बेसिकली वो डिस्करेज किया हुआ है उन्होंने, तो वो यूज कराते हुए जो आपका डेटा होता है वो सारा डिक्रिप्ट हो जाता है और जब डिक्रिप्ट हो जाता है तो DSM अटैकिंग पूरी हो जाती है. सबसे ज्यादा पॉसिबल जो चीजें हैं वो मोर रेगुलर चेंज ऑफ सेशन कीज के मतलब उसे कीज चेंज किए जाए व्हिच गिव ट्रैकर लेस नॉन डेटा, क्योंकि कि आप बार बार उसकी कीज ले रहे हैं इंक्रिप्ट किए जा होती है और ताकि वो अटैक ज्यादा ना उसके ऊपर. एंड रैंडमाइजेशन ऑफ कंट्रोल मैसेज पैटर्न व्हिच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नॉन टेक्स्ट इन दोस मैसेजेस इंप्लीमेंटेड. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वैसे है नेक्स्ट स्लाइड खत्म कर सकते हैं. सर्वे से ठीक सर्वे वैसे बहुत बड़ा होता है पहली बात ये है कि BTS तो चले ठीक है, BTS प्लस BSC इज कॉल्ड BSS सर, पता है? NTS नहीं होता, इट इज NSS.
जिसके अंदर होती है MSC और PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, वो MSC के अंदर होती है। वो MSC के अंदर होती है, MSC के अंदर होती है। ये बड़ी आसान चीज थी आपको थोड़ा सा जो आगे है आगे चलते। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा जी यहाँ पर टीम सी क्या होती है? टारगेट आइडेंटिफिकेशन सुपरवाइजरी इंटरनेशनल एक बताए आप क्या कह रहे हो टारगेट आप बताओ इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर ये क्या होती है? सर ये भी होती है बेसिकली जो मोबाइल सिक्योरिटी को एनहांसमेंट के लिए होती है। मतलब जो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यही होता है जब आप किसी अपने घर की MSC से निकल के किसी और MSC में जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो IMSI यूज नहीं करते, आपके TIMSI यूज करते। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये आप लोगों ने सर्वे को अच्छा नहीं किया, तो काम थोड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर है। आपको चाहिए ये था बेहतर। वैसे मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि पेपर जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। देखो ठीक है, प्रेजेंटेशन मैं कंसीडर कर लू, आप इस तरह करो GSM का सिर्फ आर्किटेक्चर स्टडी करो, ठीक है, डेटा आपको होगा तो मेरे से ले रहा है, उसके बाद GSM के सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स को एक दफा पढ़ लो कि कौन से होते हैं, सिर्फ आर्किटेक्चर पढ़ लो, सिक्योरिटी के कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं और क्या क्या अटैक्स होते हैं, आपका सर्वे कुछ हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, सर्वे के लिए एक और काम भी करो। दूसरे सेक्शन में एक लड़का है वो अली रजा और फहीम अख्तर, आप उनका रिसर्च पेपर पढ़ना सर। मैं आपसे वैसे शेयर करता हूँ।